हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्वेश्चन आंसर होगा। बेसिकली मेरे पास अपने इतने सारे टॉपिक्स होते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके ऊपर मैं डिले करना पसंद नहीं करता, या मैं चाहता नहीं कि डिले हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि या तो कोई परेशान होता है या किसी को कुछ ऐसी कोई चीज़ पूछनी होती है कि जिसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी। मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि किसी की हेल्प हो। तो कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मैसेज ये आया था कि मैं बहुत दिनों से जो है ट्राई कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या कोडिंग सीखने की, और यूडेमी के यूट्यूब के बहुत सारे कोर्सेज करे, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, मुझे कोडिंग समझ नहीं आ रही, या मैं कर नहीं सकता, मैं डिप्रेशन में जा चुका। तो चीज़ें सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात ये बता दूँ कि मोस्टली यूट्यूबर्स, मोस्टली इन्फ्लुएंसर मीडियम पर लिखने वाले आर्टिकल जो लिखते हैं इतनी सारी चीज़ें कि हमने एक हफ्ते में सब चीज़ें सीख ली और एक महीने के अंदर डेटा साइंटिस्ट बन गए हम लोग, इस तरह की बात है। मोस्टली अमेरिकन भी होते हैं और बहुत इंडियन पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली वो सीखते होंगे, एक महीने में भी सीख लेते हैं, एक हफ्ते में भी सीख लेते हैं, लेकिन सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती और सब हर कोई अपनी फेलियर्स को सामने रख के नहीं बताता कि मुझे कितना टाइम लगा सीखने में, मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे। वो लोग एक हफ्ते या एक महीने के अंदर सीख सकते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो प्रोग्रामिंग के अंदर, जो पाइथन में काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड सीखने स्टार्ट किया तो एक हफ्ते में सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बंदा शुरू से स्टार्ट कर रहा है, वो जब ऐसे यूट्यूबर्स की कहानियां देखता है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज देखता है कि ये इतने अच्छे प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हो, हम लोग एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, तो जर्नी सबकी सेम नहीं होती, किसी को टाइम कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। बस इतना ये चीज है कि इतनी चीज ध्यान में रखें कि हार्ड वर्क आप करेंगे तो कोई भी टैलेंट हो दुनिया में उसे आप इजीली बीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप टैलेंटेड हो, आपको प्रोग्रामिंग का इफ एल्स देखते ही साथ समझ में आ जाए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मजीद में इस तरह दूंगा कि मैं अपनी कुछ पर्सनल जो है जर्नी वो आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा कि जब मैंने भी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो पहले मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट किया, वहाँ पे पीएचपी वगैरह सीखने की कोशिश की, जावा स्क्रिप्ट सीखने की कोशिश की, तो वहाँ पे मुझे भी इफ एल्स फॉर लूप्स के अलावा और चीज़ें समझ भी नहीं आती थी किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है। वर्डप्रेस के अंदर मैंने स्टार्ट किया, वर्डप्रेस की जो चीज़ें थी वो मुझे इतनी कुछ खास समझ में नहीं आती थी, या उसे कहते हैं किक नहीं मिलती आपको उन चीज़ों से। मोबाइल डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक फंडामेंटल्स मुझे आते थे, आपके फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स, एरे, एरे लिस्ट, इस तरह की चीजें मुझे आती थी, वो भी C++ पे, उस वक्त एरे लिस्ट भी नहीं होता उसमें, तो जावा के ऊपर स्टार्ट किया एंड्रॉइड को सीखना, तो वहां पे जाके एरे लिस्ट और करेक्शन सब चीजें सीखी, स्लो स्लो टाइम लगा, एक एक चीज के ऊपर इतना टाइम लगा। और इवन आज भी आई हैव ऑलमोस्ट 7+ ऑफ एक्सपीरियंस इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उसके बावजूद भी आज मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, आज भी मुझे कोडिंग को देखकर ऐसा नहीं होता कि देख के खाली चीजें समझ में आ जाए, मैं अपने कोड लिखता हूँ उसके अंदर बग्स आते हैं तो उसके ऊपर टेस्टिंग करना पड़ती है। तो आपको मैं एक सिंपल कुछ 3-4 स्टेप्स बताता हूँ, उसे आप फॉलो करें। ऑफलाइन की आपने मुझसे बात की कि ऑफलाइन या फिजिकली पढ़ाने की, कोई आपको पढ़ा दिया, मैं आपको पढ़ा दूँ, तो देखिए ऑफलाइन वाला एक माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। दुनिया इस वक्त रिमोट की तरफ जा रही है, रिमोट वर्क की तरफ, ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने हैं कि आप बेतहाशा कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपको वर्चुअल कोई गाइडलाइन की हेल्प हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, अपने वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ, एक कोई ऑनलाइन सेशन के थ्रू भी दे सकता हूँ, अगर इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको क्लियर फेस हो रही है। तो देखिए सबसे पहले तो जो भी आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं ना, सही ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, इस पर आप फॉलो करें, 1 महीना 2 महीना इन चीजों के ऊपर फॉलो करें, और यकीनन कोई ना कोई ऐसी प्रोग्रेस आपको निकल के सामने आएगी कि आपका दिल चाह लगेगा वो आगे जो है प्रोग्रामिंग के अंदर परस्यू करने का। सबसे पहले एक काम ही करें, फंडामेंटल्स अपने देखें वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, आपने लिखा भी है डिटेल के अंदर मैसेज में, फंडामेंटल्स में जितनी बेसिक प्रोग्रामिंग होती है ना कॉन्सोल के ऊपर, जावा ले लें, कॉटलिन, C++, कोई भी ऐसी, वो स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके ऊपर आप महीना लगा लें आराम से, महीने के अंदर आप यूट्यूब का कोई कोर्स ले लें, यूडेमी का ले लें, और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि वो लैंग्वेज पिक करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको उर्दू समझ में आती है उर्दू में पढ़ें, हिंदी समझ में आती है हिंदी में पढ़ें, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना किसी का इतना अच्छा यूट्यूब चैनल देख के इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है कि वो इंग्लिश में है और वो बुक का राइटर इतना बड़ा है, उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही लेकिन बस एक उसकी लोगों की हाइप की वजह से वो बुक आपने खरीद लिया, वो ट्यूटोरियल आपने परचेज कर लिया जिसकी इंग्लिश बहुत इतनी हार्ड है कि वो प्रोग्रामिंग से ज्यादा तो आपको इंग्लिश पे अपना ध्यान लगाना पड़ रहा है।
स्टार्ट में आप ये करें कि उर्दू हिंदी जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप ट्यूटोरियल लें 1 मंथ, सही है ना, बेसिक प्रोग्रामिंग का, और जो ट्यूटोरियल्स आप देखें उसको इंप्लीमेंट करें साथ साथ। आज फॉर लूप का अगर आपने ट्यूटोरियल देखा तो फॉर लूप उसी वीडियो के एंड के बाद आप अप्लाई करें, दो तीन सिनेरियो के साथ, दो तीन केसेस उसके अंदर चलाएं अलग तरीकों से ऊपर, ठीक है, उस वक्त तो आप कर लेंगे। आगे और ट्यूटोरियल्स देखें और करें, अगले दिन और ट्यूटोरियल्स देखें और कुछ करें, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई उसको रिवाइज करें, वो फिर उस वक्त वीडियो ना देखें, उस वक्त पुराने अपने प्रोजेक्ट्स ना देखें, लिखे हुए जो नोट्स हैं वो ना देखें, खुद से स्टार्ट करें कहाँ पे फंस गए, फिर वो चीज जाके चेक करें और फिर वो दोबारा से इंप्लीमेंट करें। इस तरह से रिपीट के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपकी जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रांग होगी, चीजें लॉजिकली जो फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, स्ट्रक्चर, अरे लिस्ट, कलेक्शन मेथड्स, क्लासेस, इन सब की जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, नाउ यू आर गुड टू गो। कोई भी आप फ्रेमवर्क ले लें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं, मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग के अंदर मिलेंगी, आगे हर किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी ऐसे डोमेन में आप चलें ये काम आपको करना होगा। उसके बाद आप एंड्रॉइड साइड पर आ रहे हैं, आईओएस, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, तो उससे रिलेटेड कोई भी बेसिक जो है प्लेलिस्ट उठाए और स्ट्रक्चर उठाए। ऐसा नहीं कि आज आप एपीआई लगाना सीख रहे हो, कल ही फौरन से कोई रूम डेटाबेस या एसक्यूएल लोकली डेटाबेस के ऊपर स्ट्रक्चर में चीजें सीखें, एक बार उर्दू हिंदी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाला प्रोजेक्ट उठाएं, और यूडेमी से आप ले लें, और मल्टीपल एफर्ट थोड़ी सी करना पड़ेगी, किसी एक के ट्यूटोरियल से आप देखेंगे आधे तक पहुंचेंगे, आधे के बाद उसकी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही वो एडवांस हो गई तो कोई और सा प्रोजेक्ट देख लें। इस तरह से 2-3 बार करना पड़ेगा आपको, एक दो प्रोजेक्ट, कोई अच्छे कोर्सेज हों आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको निकाल के कुछ कोर्सेज ऐसे दे दूंगा, अगर आप मुझे फ्रेमवर्क बताएंगे किस फ्रेमवर्क के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, जब आप प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, फंडामेंटल्स कर लेंगे, तो तीसरी चीज आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने, वेट नहीं करना किसी जॉब का, वेट नहीं करना किसी इंटर्नशिप का, ना ही वेट करना कि कोई जॉब काम आता है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चीजें सीखने के बाद कि मैं कर लूंगा। जब कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तो उसके अंदर जो लर्निंग होती है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है, उसके अंदर जब आप लूप्स मेथड लगाते हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके से सामने आती है चीजें, तो वो लर्निंग एक अलग होती है। तो ये तीन चीजें करनी, इन तीन चीजों के ऊपर आप टाइम लगाए आराम से 4 महीने का, एक रफली एस्टिमेट में रख सकते हो कि 4 महीने, आप 1 महीना दे आप बेसिक पे, 1 महीना दे आप फ्रेमवर्क को, और फिर एंड के 2 महीने उसमें वो पिछली दोनों चीजें कवर होंगी, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे मल्टीपल, टू टू ऐप बनाए, रनिंग ऐप, कॉम्प्रेट की ऐप बनाए, और नोट्स की ऐप बनाए, वॉल पेपर्स की ऐप बनाए, इस तरह की छोटी छोटी ऐप जो आप बना सकते हैं जिसमें आपको मजा आए वो चीजें आप बनाए। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपकी एक जो है उम्मीद, एक वो कहते हैं कि बड़ी होगी, और कोशिश करें और हार्ड वर्किंग करें, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर आप हार्ड वर्किंग करें वो चीज अचीव ना हो, प्रोग्रामिंग हो, कोई भी चीज हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप टाइम देंगे तो आपको वो चीज रिटर्न मिलेगी। थोड़ी सी राहतें जो है वो गाली करना पड़ेगी आपको, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह कुछ चीजें जो है बेहतर हो जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर कोई आपका कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।